योर ऑनर, हमने मिस्टर केडी पाठक की खुफिया डायरी की फॉरेंसिक्स जांच करवाई है। ये उसकी रिपोर्ट है। माना कि इसमें जो हैंडराइटिंग है वो मिस्टर मेहरा जैसी है। ये भी माना कि ये डायरी खुद 20 साल पुरानी है, लेकिन इसमें जो स्याही है वो सिर्फ एक हफ्ते पुरानी है। आई एम सॉरी मिस्टर पाठक, आपका गुप्त सूत्र आपको धोखा दे रहा है। ये डायरी मिस्टर मेहरा की नहीं है। आपकी बात में दम तो है प्रोसिक्यूटर साहब। हाँ, हो सकता है कि इस डायरी में जो लिखावट है, जो स्याही है, 20 वर्ष नहीं कुछ ही दिनों पुरानी हो। लेकिन मेरा प्रश्न ये है योर ऑनर कि इसमें जो भी लिखा है वो सच है या नहीं, और यही बात मैं अदालत में प्रमाणित करना चाहता हूँ। बेशक प्रमाणित कीजिए, लेकिन उससे पहले योर ऑनर, मैं मिस्टर पाठक के नए असिस्टेंट मिस्टर आर्यन को कटघरे में बुलाना चाहूंगी। मिस्टर आर्यन को, उस डायरी में जो लिखा है क्या वो आपकी हैंडराइटिंग है? नहीं, वो एक्चुअली वो जवाब दीजिए मिस्टर कपूर, क्या वो आपकी हैंडराइटिंग है? वो हैंडराइटिंग आपकी है या नहीं? बहुत हुआ मिस सलवरकर, मैं बताता हूं यार, इस डायरी में जो लिखावट है वो आर्यन कपूर की है। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? हाँ बिल्कुल पूछ सकती हैं आप। क्यों? योर ऑनर, मेरे कहने पर आर्यन ने ये किया। मिस्टर केडी पाठक, तुमने अदालत को धोखा दिया है झूठ बोलकर। बिल्कुल नहीं यार, मैंने तो आर्यन और मेरे सहायक वरुण से कहा था कि आपस में निर्णय कर ले और मुझे बिना बताए वो डायरी मेरे होटल के कमरे के बाहर छोड़ दे, तो उन्होंने ऐसा किया। मुझे तो पता ही नहीं कि दोनों में से किसने छोड़ा हुआ। आपने कहा था डायरी राजीव मेहरा की लिखी हुई है न कि आर्यन कपूर की? हाँ कहा था, और ये डायरी राजीव मेहरा की ही लिखी हुई है। क्या मिस्टर केडी पाठक, मेकअप योर माइंड, राजू मेहरा या आर्यन कपूर? जी आर्यन कपूर, अर्थात राजीव मेहरा। वो योर ऑनर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों का प्रयोग करूं आपको समझाने के लिए। सच तो यह है योर ऑनर कि आर्यन कपूर और राजीव मेहरा दोनों एक ही व्यक्ति है। योर ऑनर, राजीव मेहरा पुनर्जन्म लेकर आर्यन कपूर के रूप में आए हैं अपनी माता जी को अपनी ही हत्या के आरोप से बचा। मिस्टर केडी पाठक, क्या आपके केस की बुनियाद रीइंकार्नेशन है, पुनर्जन्म? जी योर ऑनर, पुनर्जन्म। सच कहूं तो इस केस के प्रारंभ में मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हारे ये 20 साल पुराने केस को फिर से खोलने का आधार पुनर्जन्म है? जी योर ऑनर। और तुम हमें ये अब बता रहे हो? योर ऑनर, पहले बता देता तो आप इस मामले को खुलने से पहले ही रद्द कर देते। काश तुमने ऐसा कर दिया होता तो न्यायालय का कीमती समय नष्ट नहीं होता। लेकिन अब मैं वो करने जा रहा हूं वो तब करता था। यस, आई एम गोइंग टू डिसमिस दिस केस। योर ऑनर, कृपया कर आप। नो नो केडी पाठक, दिस केस विल हैव टू बी डिसमिस्ड। अदालत में पुनर्जन्म के आधार पर केस नहीं लड़े जाते। I hereby order. रुक जाइए जज साहब। अबे, माँ और बेटे के रिश्ते को झुठला रहे हैं। मिसेस मेहरा, प्लीज बोलने दो मुझे। 20 साल तुम्हारे कानून की कैद में रही हूँ मैं।
एक ऐसे कत्ल के जुर्म में जो मैंने किया ही नहीं, लेकिन इससे बड़ा इल्जाम और क्या हो सकता है? क्या आप मेरे बेटे को मेरा बेटा नहीं मान रहे? ये मेरा ही बेटा है। हाँ, मेरा बेटा। माँ, एक माँ की आंखें धोखा नहीं खा सकती। आप चाहे तो उम्र भर मुझे काल कोठरी में रख लीजिए, लेकिन मुझसे मेरी औलाद को बेटा कहने का हक मत छीनिए। सालों बाद मेरा बेटा लौट आया, उसे मुझसे मत छीनिए जनता, मुझसे मत छीनिए उसे, मुझसे मत छीनिए। जज साहब, जब आप और आपकी अदालत ये जाने चुकी है कि मेरी असलियत क्या है, तो मैं आपसे सिर्फ एक मौका चाहता हूँ कि मैं साबित कर सकूँ कि मैं ही राजीव मेहरा हूँ। इनफ मिस्टर आर्यन कपूर, आप अपनी कहानी किसी फिल्म प्रोड्यूसर को क्यों नहीं सुनाते? अदालत अगर पुनर्जन्म में विश्वास करने लगी तो कोई भी आ जाएगा पिछले जन्म की कहानी लेकर इस जन्म में दुश्मनी निकालने। Isn't that so? Your Honor, ये एक प्रजातंत्र है जहाँ हर नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी छूट है, भले ही हम उनके विचारों से सहमत हो या नहीं। इसीलिए मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि आर्यन कपूर का अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। You may speak, Mr. Aryan. Thank you, sir. सर, मैं साबित कर सकता हूं कि राजीव मेहरा मैं ही हूं। यहां बैठे हुए सारे लोगों के बारे में मैं ऐसी ऐसी बातें जानता हूं जो सिर्फ राजीव मेहरा जानता था, जैसे कि करुणा। करुणा के गले के पीछे एक चोट का निशान है। ये चोट उसे तब लगी थी जब ये बचपन में साइकिल से गिरी थी। और जोगी चाचा, इन्हें नींद में बात करने की आदत है। बचपन में मैं इन्हें स्लीप टॉकर अंकल बुना के चढ़ाता था। और पास्कल, ये शराब पी के गाड़ी चलाता था और मैं इसे डांटता था। ये मुझसे कहता था कि जब तक मेरा टैंक फुल नहीं होता तब तक मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं होता। और सिलगाड़ों को मूंगफली से एलर्जी है। एक बार तो इसे मेरे सामने भी रिएक्शन हुआ था। सर, मेरा नाम आर्यन कपूर है और मैं पिछले 20 सालों से मुंबई में रह रहा हूँ। सर, ये सब बातें मुझे कैसे पता होंगी? सर, मेरी इन बातों को जानना ही सबूत है कि मैं कपूर, आपके कुछ भी जानने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपकी कही हुई बातें सच है भी या नहीं। जी, मुझे नहीं पता इसने कहां से सुन लिया कि मेरे गले पर जख्म का निशान है। मुझे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता, और जहां तक निशान की बात है, I'm sorry, Your Honor, कोई निशान नहीं है। मैं नींद में बात करता हूँ? नींद में तो तुम हो बेटे, जो सपना देख रहे हो कि मेरे भतीजे को। जज साहब, आप चाहें तो मुझे एग्जामिन करा सकते हैं। ये जो कुछ भी बोल रहा है वो झूठ है। इसे मेरी करोड़ों की जायदाद में हिस्सा चाहिए, इसलिए ये सब नाटक कर रहा है। ऑर्डर, ऑर्डर। मैं और दारू, तुम क्या बात कर रहे हो मैन? सर, मैं सोरू नहीं पीता है। मेरा लीवर खराब होने से मेरे को दारू पीना मना है। मैं पिछला 25-30 साल में दारू का बाटली को हाथ तक नहीं लगाया। डॉक्टर का रिपोर्ट है मेरे पास। और राजीव बाबा को मेरा ड्राइविंग बहुत पसंद था। ये लड़का राजीव मेरा हो ही नहीं सकता है, कोई तो भी चालबाज है ये। सर, ये लड़का सच बोलता है। करेक्ट बोला मैं, करेक्ट। पर इसको ये बात कैसे मालूम हुआ? ओ माय गॉड, अब क्या होगा?
सर, सर मैं आपको सारा सीक्रेट ओपन करता हूँ। 2 महीने पहले मैं एक गोवा यूथ मैगजीन को इंटरव्यू दिया। मैं अपना ये बात उनको बोला। आई थिंक मेरा ये प्रॉब्लम के बारे में न सिर्फ इस लड़के को बल्कि सारा यूथ लोग को मालूम है। नो सीक्रेट सर। स्मार्ट हाँ, राजीव मेहरा का पुनर्जन्म, इमोशनल रीइंकार्नेशन स्टोरी, माय फुट। सॉरी सर, पन ही इज लाइंग सर, झूठ बोलता है। मैं तुम वेल मिस्टर आर्यन, आपका भ्रम टूट गया या अब भी बाकी है कि आप ही मिस्टर मेहरा हो? ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये फिर से मेरी माँ को मुझसे अलग करना चाहते हैं सर। वो कुल्हाड़ी, कौन सी कुल्हाड़ी आ रही थी? वही कुल्हाड़ी जिससे राजीव मेहरा की हत्या हुई थी? हाँ वही कुल्हाड़ी। अगर मैं अदालत में वो कुल्हाड़ी लाकर दूं तो? इम्पॉसिबल। वो कुल्हाड़ी जब 20 सालों से गोवा पुलिस को नहीं मिल पाई तो इस कल के छोकरे को कैसे मिल जाएगी? क्योंकि सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि वो कुल्हाड़ी कहाँ है। आप बोलिए, मुझे कैसे पता चला कि वो कुल्हाड़ी कहाँ है? कहीं पढ़ा मैंने, किसी ने बताया मुझे, क्योंकि सिर्फ राजीव मेहरा ही जानता था कि वो कुल्हाड़ी कहाँ है, क्योंकि मरने के पहले उसी ने अपने पीठ से निकालकर उसे फेंका था सर। योर ऑनर, हत्या के मुकदमे में सबसे मुख्य साक्षी होती है हथियार। मुझे दृढ़ विश्वास है कि अगर वो कुल्हाड़ी मिल गई तो इसके इसकी सारी छुपी बातें बाहर आ जाएगी। मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि आर्यन को यह अवसर दिया जाए। मैं मात्र सच को मानता हूं योर ऑनर, और सच तो यह है कि इस केस का सच उस कुल्हाड़ी पर निर्भर करता है। मैं प्रार्थना करता हूं अदालत से, प्लीज योर ऑनर, आर्यन को यह अवसर दीजिए। ठीक है, मैं इस केस को 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करता हूं, लेकिन किसी पुनर्जन्म के दलील पे नहीं। बल्कि इस लड़के ने आश्वासन दिया है कि इस केस की मिसिंग कड़ी को वो पेश कर सकता है। The court is adjourned. What do you mean, याद नहीं? याद नहीं है मतलब क्या होता है यार? अदालत में तुमने कहा था कि तुम जानते हो वो कुल्हाड़ी कहाँ है, तुम कह रहे हो याद नहीं। What the? आर्यन, ये पूरा केस तुम्हारे खिलाफ है। सब लोग समझते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, अगर ये बात भी झूठी निकली तो that's it. We are done, we are finished. You understand that? पर अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो हम केस वैसे ही हार जाते हैं। केस हारना या जीतना मेरा प्रॉब्लम है। I am the lawyer, not you. Yeah, please talk to him, यार वरुण। आर्यन, listen, just relax. तुमने जो कुछ भी कहा, बस एक बार मैं वहां चले जाऊं तो मुझे एग्जैक्टली याद आ जाएगा कि मैंने कुल्हाड़ी कहां फेंकी थी। बस एक बार। ठीक है, कल सुबह हम किले पर चढ़ेंगे। केरी साहब, हम सब गए। हम सब क्यों? मैंने नहीं मारा राजीव को। मैंने भी नहीं मारा। तो क्या मैंने मारा है? ए बाबा, आन कहने के अलावा आना मरता का? मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या राजीव ने अपने आप को ही मार डाला? उसे तो पहले से ही शक था तुम लोगों पर कि उसकी जायदाद को लेकर तुम उसको जरूर नुकसान पहुंचाओगे, और ऐसे ही हुआ। जो भी हो, तुम में से ही किसी ने उसको मारा है। राजीव ने अपना इंतकाम लेने के लिए भले ही दोबारा जन्म लिया, लेकिन तुम लोगों को याद रखना, अपने गुनाहों का हिसाब इसी जन्म में देना, इसी जन्म में, समझे? बड़ी सती सावित्री बन रही है। अरे राजीव की मौत के बाद में इसको ही सबसे बड़ा फायदा होने वाला था,
पूना का इतना बड़ा करोड़पति के साथ में शादी बनाया उसने? मेरे को तो लगता है साहबा इसी ने मारा है राजीव को। 20 साल पहले इसे हमारे प्लान के बारे में नहीं मालूम था। और बुराड़े, मुझे तो अभी भी तुम पर ही शक है। ये आपस में एक दूसरे पर उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। जो भी हो, ये कुल्हाड़ी नहीं मिलनी चाहिए और ये केस जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए। बस हम जानता है मैन, उधर मिनिस्टर पाव से 4 बार फोन आ चुका है उसका, सुबह से केस बंद करवाना चाहता है। पर एक बात याद रखना, ये केस अगर बंद नहीं हुआ तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल बखेड़ा हो जाएगा। सब सब खत्म हो जाएगा मैन, तुम सब सुनी बचाएगा। क्या बोल रहा है साहब? इसका तो एक ही उपाय है। क्या? वो लड़के का मुंह बंद करना पड़ेगा हमेशा के लिए। यहीं पर मेरी आंख खुली थी और मैंने अपनी पीठ के पीछे कुल्हाड़ी को पाया। फिर मैं यहां से यहां तक आया और बड़ी मुश्किल से कुल्हाड़ी को अपनी पीठ से निकाला और यहां गिरी थी कुल्हाड़ी। मुझे पूरा यकीन है कि वहीं पत्थरों के नीचे कहीं दबी होगी। चलो देखते हैं। ये थी वो कुल्हाड़ी। वरुण नहीं, स्टॉप, ही गॉट अ गन। अरे नहीं, एक बात समझ में नहीं आई। राजीव वर्मा को बीच पर बेहोश किया, गाड़ी में डाला, यहां लाकर मारा। अगर मारना ही था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? बीच पर क्यों नहीं मारा? क्या पता बीच पर कोई खतरा हो। बेबी, इसी कुल्हाड़ी से राजीव वर्मा की हत्या की गई थी। और योर ऑनर, कैसे मान ले कि ये वही कुल्हाड़ी है जिससे राजीव मेहरा की हत्या हुई थी? हाँ, गुड क्वेश्चन प्रोसिक्यूटर साहब। इस फोरेंसिक रिपोर्ट को पढ़कर, जिस पर साफ साफ लिखा है योर ऑनर कि इस कुल्हाड़ी पर जो सूखे हुए खून के कंद पाए गए हैं वो राजीव मेहरा के ही हैं। दिस इज शॉकिंग। ये कुल्हाड़ी तुम्हें कहां मिली? वहीं जहां 20 साल पहले मैंने इसे फेंका था। इसकी फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट ली गई है क्या? दुर्भाग्यवश योर ऑनर, इतने वर्षों तक दबे रहने के कारण इस कुल्हाड़ी पर से उंगलियों के निशान तो मिट गए, लेकिन इसकी पहचान ने, ये कुल्हाड़ी पास्कल की। पास्कल? ऑर्डर, ऑर्डर, कीप साइलेंस। योर ऑनर, इस बात का इनके पास क्या सबूत है? 21 साल पहले मैंने इसे पार्सल के लिए खरीदी थी, लकड़ियां काटने के लिए। मिस्टर आर्यन, 20 साल पहले आप पैदा भी नहीं हुए थे। योर ऑनर, 20 वर्षों पहले मिस्टर आर्यन कपूर भले ही इस दुनिया में ना आए हो, लेकिन तब मिसेस करुणा संघवी तो थी। मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। जी, जब मैं राजीव से मिलने जाया करती थी तो कई बार मैंने उसके घर के बाहर पास्कल को इससे लकड़ियां काटते हुए देखा है।
ये आजकल की है। ये मैडम झूठ बोलता है सर, ये कुल्हाड़ी मेरा नहीं है सर, मेरा नहीं है कुल्हाड़ी सर, मेरा कुल्हाड़ी नहीं सर। अच्छा, अगर ये कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं तो इस पर तुम्हारा नाम क्यों गोदा गया है? पास्कल रिबेरो, तुम्हारा ही नाम है, यानी कि कुल्हाड़ी भी तुम्हारी है और 20 वर्षों पहले ये कुल्हाड़ी भी वहां थी और तुम भी वहां थे और तुम ही थे जिसने ये चाल चली, जिसके कारण उन्हें 20 वर्षों की सजा। नहीं सर, नहीं सर, ये कुल्हाड़ी मेरा ही सर। मैंने इसको राजू सर के गाड़ी के बैक सीट पे रखा था, लेकिन राजू सर को मैंने नहीं मारा सर। मैं मानता हूँ कि मैं राजू सर पे वॉच रखने को बीच पे गया था, लेकिन मैं किले पे नहीं गया सर, मैं किले पे गया ही नहीं। किसने तो भी चोरी करके ये कुल्हाड़ी से राजू सर को मारा सर, मैंने नहीं मारा सर। अगर तुमने नहीं मारा तो किसने मारा पास्कल? चलो जान, छोड़ो इस बार, ये बताओ कि किसके कहने पर तुम वहां राजीव पर पहरा देने गए थे? किसके कहने पर तुमने माता जी के विरुद्ध साक्ष्य दिया? जोगिंदर सर से। उन्होंने मुझे एक काम के लिए बहुत सारा पैसा दिया सर, और बोला कि राजू सर के मर्डर में मैडम के खिलाफ झूठा आई विटनेस बन जा। मैंने कुछ नहीं किया सर, जोगिंदर सर ने पैसा, बहुत पैसा दिया सर, मैंने नहीं मारा सर। ये सब पता नहीं है क्या बोल रहा है। नमक हराम, तूने ये सिला दिया हमारी मेहरबानियों का? जोगिंदर जी धीरज रखिए, सुनिए मेरी बात। दो ही लोग थे जिन्होंने मिसेज सुषमा मेहरा के विरुद्ध साक्ष्य दिया, दो ही गवाह थे, पास्कल और अब्बा। दुर्भाग्यवश पास्कल का कथन झूठा पड़ने से आपका झूठ भी पकड़ा गया। अब बताइए कि क्या यह सच नहीं कि आप ही के कहने पर पास्कल ने झूठा बयान दिया अदालत में आप ही की भाभी जी को फंसाने के लिए? जी वो इसलिए क्योंकि आपने राजीव की हत्या की। नहीं नहीं, मैंने राजीव को नहीं मारा। मैं जब वहां किले पर पहुंचा तो किसी ने राजीव को पहले से ही राजीव को मरते हुए देख मैंने सोचा एक तीर से दो शिकार कर लूं। मेरे और उस करोड़ों की जमीन के बीच बस दो ही लोग थे, सुषमा भाभी और राजीव। अगर एक की मौत के लिए दूसरा गिरफ्तार हो जाए तो जमीन मेरी हो जाती। मैं वहां से मुड़ा और अपनी गाड़ी की ओर गया, जिसमें सुषमा भाभी के कुछ पुराने कपड़े रखे थे जो उन्होंने मुझे ओल्ड एज होम में देने के लिए दिए थे। इसके बाद मैं घर पहुंचा और मैंने अपने प्लान को और मजबूत करने के लिए उस साड़ी को कूड़ेदान में फेंक दिया, और फिर मैंने पास्कल को पैसे देकर उसे मेन विटनेस बना दिया, और फिर पास्कल ने सुषमा भाभी को लेकर मर्डर से पहले की कहानी बनाई और मैंने मर्डर के बाद की। पर सबूत के तौर पर भाभी की वो खून से सनी हुई साड़ी और वो पूरी संपत्ति आपके नाम। जी समझ गया। एक बात नहीं समझा जोगिंदर जी, कि राजीव मेहरा का मृत शरीर तो वहां किले पर था, आप वहां कैसे पहुंच गए, क्यों पहुंच गए? शायद इत्तफाकन पहुंच गया होगा। इत्तफाकन वहां पहुंच गए होंगे, चलिए उस समय तो इत्तफाकन आप पहुंच गए होंगे, लेकिन कल क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे? कल उसी समय जब मैं, वरुण और आर्यन वहां इस कुल्हाड़ी को खोज रहे थे, आप वहां पहुंच गए, हाथ में गन लिए और गोली भी चला दी। अपने गोली की चलाई गोली 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 नहीं नहीं, नहीं। मैंने कोई गोली नहीं चलाई, मेरे पास कोई गन वगैरह नहीं। जोगिंदर जी रिलैक्स, आई नो, मैं जानता हूं। योर ऑनर,
मैं जोगिंदर जी की बात को मानता हूँ कि इनके पास गन नहीं और वो गोली इनके गन से नहीं चली, क्योंकि फोरेंसिक्स रिपोर्ट के अनुसार वो गोली इंस्पेक्टर बोराडे के गन से चली। मैं तो कल छुट्टी पे था, गोली मैंने नहीं चलाया। देखिए इंस्पेक्टर बोराडे, आर्यन पर जो गोली चली थी, सौभाग्य था उसका कि वो बच गया। वो ये है और ये आप ही के सर्विस रिवॉल्वर से चली है। क्या सबूत है आपके पास? अच्छा प्रश्न है आपका इंस्पेक्टर बोराडे। आपके पुलिस स्टेशन में रोजाना जो गोलियों की गिनती होती है, उसमें पाया गया है कि आपके सर्विस रिवॉल्वर की दो गोलियां मिसिंग है। हाँ, वो कल मापसा में दंगा करने वाली भीड़ को भगाने के लिए मैंने हवा में दो गोली फायर किया था। इंस्पेक्टर बोराडे, उसी दंगे की 4 न्यूज चैनल्स की वीडियो फुटेज है हमारे पास और आपके सर्विस रिवॉल्वर की और इस गोली की बैलिस्टिक रिपोर्ट भी है। आप कौन सा देखना पसंद करेंगे? आप ही चुनिए। जी वो ये गोली मैंने ही चलाया था, आर्यन पे। आर्यन पे ऑर्डर ऑर्डर। आप ही ने आर्यन पर गोली चलाई थी, क्यों इंस्पेक्टर बोराडे? क्यों मारना चाहते थे आप आर्यन को? नहीं, इसमें मेरा कुछ पर्सनल नहीं है, मतलब मेरे को बोला गया था। बोला गया था? किसने बोला था? मेरे को सिलगाड़ो सामने बोला था। सिलगाड़ो सामने प्लॉट थिकन्स इंस्पेक्टर बोराडे। मिस्टर सिलगाड़ो यार। हाँ तो मिस्टर सिलगाड़ो, अदालत को कृपया कर बताइए कि आप आर्यन की जान क्यों लेना चाहते, या फिर ये कहूं कि आर्यन के अनुसार फिर से आर्यन को क्यों मारना चाहते थे, अर्थात पहले राजीव मेहरा की हत्या, उसके बाद आर्यन की हत्या। Why? No man, no. हम राजीव को नहीं मारा सर, हम राजीव मेहरा को नहीं मारा है सर, गॉड प्रॉमिस। हाँ हम उसका किडनैप करना मांग रहा था। ऑर्डर। किडनैप, अपहरण, क्यों? 20 साल पहले जब ये सुषमा मेहरा हमको अपना प्रॉपर्टी देने से ना बोला, हम बिजनेसमैन है साहब, हमको रिजॉर्ट बनाने के लिए वो प्रॉपर्टी मांगता ही था किसी भी कीमत पर, तो हम उसका ब्रदर इन लॉ जोगिंदर और ड्राइवर पास्कल और इंस्पेक्टर बुराड़े, हम उनको बुलाया, उनके साथ डिस्कस किया, प्लान बनाया कि हम राजीव मेहरा का किडनैप करेगा। बस हम पास्कल को बीच पर भेजा राजीव मेहरा पर निगाह रखने के लिए, वो उसका पीछा किया। जब वो बाहर आया तब पास्कल ने दूर पे खड़ा इंस्पेक्टर बुराड़े उसको सिग्नल किया। मंगलसूत्र, ये तो मेरी माँ का है। तो इंस्पेक्टर बुराड़े ने आकर राजीव मेहरा को पीछों से अटैक किया और फिर उसको बेहोशी में उसी का गाड़ी में डालकर किला में ले गया साहब, जहां से जोगिंदर उसको टेक ओवर करने वाला था। इसका मतलब कि जोगिंदर जी वहां इत्तफाकन नहीं गए थे जैसा कि उन्होंने कहा, आपके इस प्लान के कारण, इस योजना के चलते वहां पहुंचे थे, राइट? हाँ मैन, हाँ। जोगिंदर वहां राजीव मेहरा को उसकी गाड़ी में फार्म हाउस पे ले जाने वाला था। बैड लक साहिबा, बैड लक। हमको नहीं मालूम कैसा वहां किसी ने आकर राजीव मेहरा का मर्डर कर दिया, मार दिया उसको। ने साथ चीटिंग हुआ है साहिबा, चीटिंग। साहिबा उस दिन किला में
यही राजीव मेहरा के साथ अकेला था, यही 101% इसी ने राजीव मेहरा का मर्डर किया होगा। ये क्या हो रहा है जोगिंदर जी? मुझे फंसा रहे हैं वो लोग ताकि वो लोग बच जाए। मैंने अपने भतीजे को नहीं मारा। राजीव मेहरा की जान आप ही ने ली है, और क्यों ये भी सुन लीजिए, आपके मन में ये सोच जागी कि राजीव के अपहरण से डरकर सुषमा जी वो जमीन बेच देंगी तो आपको 10% दलाली मिलेगी, करोड़पति बन जाएंगे आप। लेकिन अगर आपने राजीव की जान ले ली और उस हत्या की जुर्म में सुषमा जी को फंसा दिया, इन्हें सजा हो गई, तो पूरी की पूरी मिल्कियत, वो पूरी संपत्ति आपके नाम हो जाएगी। इसलिए आपने राजीव को मार दिया। नहीं, नहीं, मैंने राजीव को नहीं मारा। दरअसल मेरे वहां पहुंचने से पहले ही कोई झाड़ियों के पीछे से निकलकर भाग गया। कोई था वहां पर। Saved by the bell. ये अदालत परसों 11 बजे तक मुलतवी की जा रही है, और तब तक मिस्टर सिलगाडो, मिस्टर पास्कल रिपेरो, मिस्टर जोगिंदर मेहरा और इंस्पेक्टर बोराडे को हिरासत में लिया जाए उनकी करनी के लिए। कोर्ट इज एडजॉर्न। आर्यन, तुमने करुणा से बात क्यों नहीं की? मैं क्या बात करता करुणा से? ऐसा छोड़ यार, ये बता कि जोगिंदर मेहरा का कहना है कि जिस समय वो किले पर पहुंचे पहले से ही वहां कोई था। जब तुम्हारी, मेरा मतलब है जब राजीव मेहरा की हत्या हुई थी उस समय की बात याद कर, और बता कुछ सुना था, किसी को देखा था, किसी चीज का आभास हुआ था? मेरी याददाश्त का हिस्सा बड़ा धुंधला है, सिर्फ एक दो सेकंड के लिए मेरी आंखें खुली थी, मैंने किसी की आवाज सुनी थी, कुछ क्या एक आधी बात कुछ। तुम कहानी किधर जाए? थैंक यू। उसने कोनकोने में कुछ कहा था। क्या कहा था? कुछ क्या था, कुछ चोगा छे उत्तर मोडू नाका। एक बार फिर से बोलना। चोगा छे उत्तर मोडू नाका। क्या मतलब होता है इसका? पता नहीं। अच्छा, आवाज किसकी थी, मर्द की, औरत की? वो भी याद नहीं, लेकिन जोगिंदर चाचा को तो कुनगुनी आती नहीं। और किसी को आती? ये सिलगाड़ो, पास्कल और बोराडे, ये तीनों गोन हैं, तो इनको कुनगुनी जरूर आती होगी। केडी पाठक। हाँ करुणा जी बोलिए। हाँ मेरे साथ ही है, होल्ड ऑन माउंट। हेलो। हाँ करुणा। हाँ ठीक है, मुझे याद है। ठीक, क्या हुआ? वो मुझसे मिलना चाहती है बीच पर। देखा रहे, ये मामला अभी तक सुलझा नहीं है, जो करेगा बड़ी सावधानी से करना, पर ये कोशिश करना कि जितनी जानकारी हासिल कर सके हासिल करना। हेलो करुणा। कैसी हो तुम करुणा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या कहकर पुकारूं, आर्यन या राजीव। तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा राजीव ही रहूंगा। वही आंखें हैं तुम्हारी राजीव। चुगांचे उतोर मोडू नाका, इसका कोंकणी में मतलब है बहु संख्या जो कहती है वही करो। बहुसंख्या जो कहती है वही करो, यानी बहुसंख्या चाहती थी कि राजीव मेहरा अपनी जमीन बेच दे। फादर, ये गोवा में ये नसीहत है, कहावत है, क्या है? कोंकणी में एक गाना है जिसमें ये कहावत है, लेकिन ये कहावत आधी है। आधी मतलब? मतलब इस कहावत के पहले का हिस्सा भी है जो इस तरह है,
बाइले गुट सांगो नाका लाजक फोर्ट मारी नाका आनी चुगांचे उतारो मोडू नाका। तुम्हारे गले का निशान गायब कैसे हो गया? प्लास्टिक सर्जरी से। तुम यही सोच रहे होगे ना कि मैंने अदालत में ये बात क्यों झुठलाई? हाँ। राजीव, आई एम मैरिड नाउ। मैं शादीशुदा हूँ, अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रही हूँ, और ऐसे में मेरे अतीत का यूं सामने आना, और वो भी इस तरह। मैं समझ सकता हूँ करुणा, इट्स आई वांट द बेस्ट फॉर यू। थैंक्स। और आई एम हैप्पी कि तुम वापस लौटे अपनी माँ के लिए, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए। आई होप कि तुम्हारे चाचा और बाकी सबको भी इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिले। कत्ल जोगिंदर चाचा ने नहीं किया करुणा, कोई और था। उसने मुझे कोनकनी में कुछ कहा भी था। एक औरत से कभी राज की बात मत करो, एक राजा के सामने कभी झूठ मत बोलो, और मेजॉरिटी यानी बहुसंख्या, बहुसंख्या जो कहती है वही करो। औरत को कभी अपनी राज की बात मत बोलो। Excuse me, father. क्या तुमने उसकी आवाज पहचानी? नहीं, पर जैसे ही ये बात याद आ गई वैसे ही उसकी आवाज भी याद आ जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ अपनी माँ को बचाना चाहता हूँ। तुम तब भी अपनी माँ को सबसे आगे रखते थे, और अब भी तुम उनके फायदे के लिए मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो। राजीव, वरुण, आर्यन फोन नहीं उठा रहा। सर, पार्लर रूम बीच। करुणा, करुणा, 20 साल पहले भी अपनी माँ की वजह से तुमने मुझे ठुकराया, मेरी जिंदगी बर्बाद की, और अब फिर आ गए? इस बार भी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। करुणा, करुणा, मुझे मत मारो प्लीज। वही अंजाम दूंगी जो पहले दिया था। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मुझे मत मारो। ने अपनी माँ के लिए मुझे ठुकराया, मेरा दिल तोड़ा। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए, क्या नहीं किया, लेकिन वो उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि इस बात का बदला मैं उससे लेकर हूं। उस वक्त मैं वहां से निकल रही थी, और मैंने उस इंस्पेक्टर को राजीव के सर पर वार करते हुए देखा, फिर मैंने उनका पीछा किया। Thank you.
तुम जिंदा नहीं रह सकते राजीव। हमारे गोवा में ना एक कहावत है जो इस वक्त तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। बाइले गुट सांगु नका, रसाक फोट मारी नका, आणि चुकांचे उत्तर मोडू नका। Defense rests, Your Honor. ऊपर वाले के इंसाफ में देर है, अंधेर नहीं, और इंसाफ आज होकर रहेगा। अदालत का यह फैसला इस लड़के के राजू मेहरा होने या न होने पर निर्भर नहीं, बल्कि करुणा सांघवी के इकबाले जुर्म और उसके खिलाफ पेश किए गए सबूतों के आधार पर किया जा रहा है। इसलिए ये अदालत राजीव मेहरा के कत्ल के इल्जाम में करुणा सांघवी को गिरफ्तार करती है और सुषमा मेहरा को बड़ी मजरत करते हुए बाइज्जत परी कर देती है। द केस इज क्लोज्ड। वैसे मिस्टर केडी, आपके बारे में जो भी सुना था गलत नहीं सुना था। आपसे जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे गोवा में हूँ तो चलिए हो जाए, थोड़ी सी वेनी, थोड़ा फिश फ्राई। एब्सोल्युटली। एम आई राइट? और एम आई राइट को कोंकणी में क्या कहते हैं? फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.